हेलो दोस्तों, वेलकम टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल। अगर आपके चैनल पे 37,000 सब्सक्राइबर हो और अचानक से आपका एडसेंस डिसेबल हो जाता है तो ऐसे में लगता है कि मेरी जो जिंदगी है, मेरी जो लाइफ है वो खराब हो गई। मतलब मन भी उदास रहता है और दिल तो उदास रहता ही है। आपको बता दूं कि इस समस्या का समाधान करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, इनका भी 37,000 सब्सक्राइबर थे और बंदा परेशान था। मैंने इनके चैनल पे 15 दिन तक लगातार काम किया पर फाइनली इनका जो चैनल है वो डिसेबल से इनेबल हो गया, यानी कि एडसेंस जो है वो डिसेबल था और अब जो है इनेबल हो चुका है। मैंने इस वीडियो में कौन कौन सी ट्रिक लगाई वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले ये भी बता दूं कि ये बंदा काफी परेशान था और कह रहा था कि सर मेरा एडसेंस को इनेबल कर दो, आप जो चाहो वो गिफ्ट मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई की जो प्रॉब्लम है वो एकदम से सही हो गई है। सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आप सबको पता है कि हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। डिसेबल एडसेंस को इनेबल करने के लिए आ गया हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये होता है मोनेटाइजेशन टैब और यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है मोनेटाइजेशन ऑन दिस अकाउंट हैज बीन डिसेबल और यहाँ पे भी डिसेबल लिखा है। मैं इसको इनेबल करने वाला हूँ कुछ ही मिनट बाद, ये यहाँ पे इनेबल लिखा होगा। बट उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इन भाइयों का जिन्होंने यूजर नेम और पासवर्ड दिया और टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल पर विश्वास किया। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आई किस वजह से। तो इस प्रॉब्लम को जानने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा ईमेल में। तो ईमेल में आप देख सकते हो यहां पे लिखा है योर एप्लीकेशन स्टेटस और इसने बता दिया कि आपके पब्लिशर आईडी ये है और ये गूगल की तरफ से, यानी कि गूगल एडसेंस की तरफ से ईमेल आती है। अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो इस तरह का यहां पे ईमेल आया हुआ है। कहने का मतलब यहां पे है, इन्होंने कहा है कि हमने जो आपने एडसेंस बनाया था उसको हमने रिव्यू करा और हमारी पॉलिसी के रिगार्डिंग आपका एडसेंस जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप इसको कुछ चेंज वेंज करना चाहते हो तो हम इन फ्यूचर आपका एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम कई सारे बंदों की थी। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इसको रिजोल्व करेंगे। बट दोस्तों आपको ये भी बता देता हूं कि ये ईमेल इस तरह की है और यहां पे अगर यूट्यूब चैनल पे मैं जाता हूं तो यहां पे इस तरह का लिखा हुआ है। अगर मैं गूगल एडसेंस में जाता हूं तो यहां पे इस तरह का लिखे आता है। तो यहां पे आप देख सकते हो ईमेल आईडी वही है और यूट्यूब पे जाता हूं तब भी ईमेल आईडी वही है, मैं ईमेल पे जाता हूं तो तब भी ईमेल आईडी वही है। अब बात करते हैं इसको चेंज कैसे करेंगे, इसको हम हटाएंगे कैसे। मेरे दोस्त आपको देख सकते हो यहां पे लिखा है फीचर्स, इसको यहां पे हटाना है। याद रखिए जो मैंने सेलेक्ट करा है वही आपको यहां से हटाना है, यानी कि डिलीट करना है और यहां पर लिखना है अकाउंट अंडर स्कोर मोनेटाइजेशन। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है तो ये यहाँ पे इस तरह का ऑप्शंस आ जाएगा। अब आप ऊपर की तरफ देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि इसको आप चेंज कर सकते हो। याद रखिए कि इसको चेंज, अगर आपके पास ये ऑप्शंस आ जाता है तो अच्छी बात है। अगर यहाँ पे इस तरह का ऑप्शंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे इस तरह का आ रहा है योर मोनेटाइजेशन टैब हैज बीन डिसेबल, तो इसके लिए मैंने अलग से 3 वीडियो बना रखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर से चेक कर लेना, आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। पर यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूं वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। अब यहां पे आपको एक एक्टिव एडसेंस चाहिए और एक्टिव एडसेंस को इस पे हम अटैच करने वाले हैं। तो यहां पे जो एक्टिव एडसेंस है उसको मैं लॉगिन कर लेता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो इससे मैं लॉगिन यहां पे हो जाऊंगा, क्या है इंडियन रजिस्टर, इस पे मैं क्लिक कर देता हूं। आप दोस्तों जरा ध्यान से समझिए, ऊपर की तरफ अगर मैं क्लिक करता हूँ प्रोफाइल पे तो यहाँ पे इस टाइम हम लॉगिन है इंडियन रोस्टर से और अगर मैं गूगल एडसेंस में जाता हूँ तो यहाँ पे अभी जो लॉगिन है वो इस वाली से है गुलफान अली, पर मेरे को लॉगिन होना है इस वाले से तो यहाँ पे मेरे को एक्टिव एडसेंस चाहिए। तो इस वाले पे एक्टिव एडसेंस लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे दोस्तों आप देख सकते हो कि अब हम न्यू आईडी से लॉगिन हो चुके हैं, यानी कि हमारे पास एक एडसेंस अकाउंट जो है एक्टिवेटेड है। तो आप देख सकते हो ये है यहाँ पे इंडियन रोस्टर, तो इससे हम क्या करेंगे अब इस एडसेंस को, यानी कि इस एडसेंस को हम यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो मेरे को क्लिक करना पड़ेगा चेंज द एडसेंस अकाउंट एसोसिएट विद योर यूट्यूब अकाउंट, तो इस पर क्लिक कर दीजिए।
अब दोस्तों समझने वाली बात ये भी है कि इस टाइम इसके पास एडसेंस जो आईडी है वो 349 है और स्टेटस जो है एक्टिव है, तो इसलिए वहां पे डिसेबल दिखा रहा था। अब हम इसको चेंज करने वाले हैं, यानी कि जो आईडी है ये वाली 953 वाली, ये यहां पे लेके आनी है। अब इसको हम यहां पे क्लिक कर देते हैं चेंज पे। तो इसके बाद इसने क्या कहा, इसने कहा चूज एन अकाउंट। तो आपको एडसेंस जिस पे लगा हुआ है, यानी कि जिस पे एक्टिव एडसेंस है, उस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह का पेज आपको एडसेंस में दिखाई देगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सी वाली ईमेल आईडी से लॉगिन है। इस वाली ईमेल आईडी से लॉगिन है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट एसोसिएशन। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि ऊपर की तरफ जो है रिफ्रेश हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मेरे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है योर मोनेटाइजेशन टैब हैज बीन डिसेबल। इससे आपको घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे है रिफ्रेश का बटन, तो पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, यानी कि टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल की तरफ से। इनके जो सब्सक्राइबर है वो देख सकते हो कितने हजार सब्सक्राइबर है, 37,700 सब्सक्राइबर है और 141,000 से ऊपर इनके घंटे हो चुके हैं। पर ये बड़ी दिक्कत में थे, बड़ी परेशानी में थे। आप देख सकते हो कि अब इनका जो चैनल है वो अंडर रिव्यू में चला गया है। आपको कई सारी बातें याद रखनी है, वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझ लेना जो आपको बताऊंगा। अभी के लिए मैं क्लिक कर देता हूँ एसोसिएटेड एडसेंस अकाउंट पे। अब मेरे दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 953 और यहाँ पे भी 953 आ चुका है, स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है। आपको बस एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जो यूट्यूब चैनल की ईमेल आईडी है वो यहाँ पे अलग है और जो आपकी एडसेंस की ईमेल आईडी है अब वो यहाँ पे अलग है। याद रखिए दोनों चीज आपको याद रखनी है कि आपका एडसेंस जो है वो अलग ईमेल आईडी से है और यूट्यूब चैनल अलग ईमेल आईडी से है। और साथ ही साथ आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे स्टेटस एंड फीचर पे, जो चीज आपको बताना चाह रहा हूँ वो भी आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया स्टेटस एंड फीचर पे, अब आप यहाँ पे क्या लिखा है कि नॉट इनेबल, और यहाँ पे जो डिसेबल था वो हट चुका है। नॉट इनेबल का मतलब है यहाँ पे कि चैनल अंडर व्यू में गया है पर अभी तक उसको अप्रूवल नहीं मिला है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, कुछ भी है, कमेंट में मेरे को जरूर बताना। इससे मेरे को पता चलेगा कि आपको क्या दिक्कत है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप जो है जरूर से लाइक करके जाएंगे। दोस्तों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।